सत श्री अकाल जी, मैं स्वागत सक्सेना स्पीड न्यूज विच आप सब दा स्वागत करती हां। किसान जथेबंदियां दी आज एक अहम मीटिंग होवेगी जिस विच अग्गे दी रणनीति तय कीती जावेगी। दरअसल आज इत्थे किसान नेतावां दी एक मीटिंग हो रही है जिस विच यह फैसला लिया जाएगा कि अंदोलन नूं अग्गे कीवें ले जाना है। किसान यूनियन पंजाब दे प्रधान जगदीप सिंह दा कहना है कि जदों तक सरकार साडियां मंगां नहीं प्रवान करदी, काले कानूनां नूं वापस नहीं लैंदी, एमएसपी बारे कुछ स्पष्ट नहीं कर दी, तब तक साडा अंदोलन जारी रहेगा। खेती कानून विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे किसानों का धरना लगातार ही जारी है। बीती रात ठंड विच भी किसानों ने सिंधु बॉर्डर से बिताई है। अज किसान जथेबंदियों की अहम मीटिंग होने वाली है जिस विच अगली रणनीति तय की जाएगी। दस दई कि बीते दिन शंभू बॉर्डर से पुलिस वालों किसानों रोकने लिए पूरी वाह लगाई गई। पुलिस वालों किसानों से पानी दी बुछाड़ा मारी गई, हंजू गैस के गोले भी सुटे गए। इस तों बाद केंद्र सरकार ने किसानों ने अगे झुकदिया उन्हां नूं बुराड़ी दे निरंकारी मैदान विच इकत्र होने की मंजूरी दी है, पर किसान नहीं मने अते उन्हां ने जीटी रोड ते ही धरना लगा दिता है। लुधियाणा तो लोक सभा मैंबर रणवीर सिंह बिटू ने किसान जथेबंदियों के आगुआ नूं बेनती की है कि तुहाडे अंदोलन ने मोदी सरकार दी जड़ां हिला के रख दित्तियां ने, जो घबराहट विच आके किसानों नूं किसी स्टेडियम जां वड्डे मैदान विच लियाउणा चाहुंदी है, जिसकी गलती वह ना करन, क्योंकि जेकर किसानों ने एक बार सड़कां तो अंदोलन चुक लिया तो फिर केंद्र खिलाफ जीती लड़ाई उन्होंने हथों खुस जाएगी। खेतीबाड़ी कानूनों विरुद्ध किसानों का विरोध जोरां शोरां जारी है। इस नाल ही प्रशासन भी सख्त रवैया अपना रहा है। शुक्रवार को किसानों और पुलिस विचाले झड़पां हुई ने। उत्तरी रेलवे ने कहा है कि पंजाब के किसानों के विरोध के मद्देनजर दो गड्डियां रद्द कर दी गई ने, पांच रेल गड्डियों शॉर्ट टर्मीनेट और पांच रेल गड्डियों के रूट बदले गए ने। बीते दिन किसानों के रोस प्रदर्शन और रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल कारण ठप रहा सरकारी बसों का संचालन अज तो शुरू हो गया। इस क्रम विभाग ने पंजाब के सारे रूट चालू कर दिए ने, जिस विच हरियाणा के रस्ते विच आउंदा राजपुरा जम्मू नाल लगदा पठानकोट और हिमाचल नाल लगदा हुशियारपुर नंगल रोपड़ और चंडीगढ़ शामिल है। उते ही हिमाचल लिए चले रूटा विच मुख तौर से शिमला धर्मशाला आदि शामिल रहे। इस नाल ही पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग ने दिल्ली रूट बारे उन्हें कहा है कि किसानों का संघर्ष अजे भी जारी है, जिस कारण विभाग किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। इस कारण ट्रायल सही रहने से इस रूट का फैसला लिया जाएगा। पंजाब तो कुछ करके दिल्ली पहुंचे किसान अंदोलन में खालिस्तानी लहर समर्थकों के दाखिले को लेकर खुफिया एजेंसियों ने ताजा अलर्ट जारी कर दिया है। खुफिया एजेंसियों ने पुलिस बल को चौकस किया है कि इंडिया गेट और वीवीआईपी इलाके में होने वाली गतिविधियों पर तिखी नजर रखी जाए। एजेंसियों ने कुछ संदेशों फड़ते हुए पाया कि किसान अंदोलन की आड़ में खालिस्तानी समर्थक इंडिया गेट या वीवीआईपी इलाके में खालिस्तानी झंडे लहराने की कोशिश कर सकते हैं। भारत में कोरोना के बढ़ते मामले विचाले देश में तीन वख-वख कोविड वैक्सीना पर काम चल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी इन कोविड वैक्सीना का जायजा लेने लिए टीका विकसित कर रही संस्थाओं का दौरा करेंगे। भारतीय रेलवे अगले 2 दिसंबर तो गैर उपनगरी यात्री सेवाओं की 54 ट्रेना स्थाई जोड़ी ट्रेन की शुरुआत करेगा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस गल की जानकारी ट्वीट कर साझी की है। उन्होंने दस्सिया कि यह ट्रेना पश्चिम बंगाल में चलाई जाएंगी। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद की चोण के पहले पड़ा दिया 43 सीटों से अज वोटिंग चल रही है। इस नाल ही पंचायत उपचुनाव लिए वोटा पै रही ने। चोणा दिया सारिया तैयारियां मुकम्मल ने। 28 नवंबर तो शुरू होने वाली यह चोण प्रक्रिया 19 दिसंबर तक चलेगी। कुल 8 पड़ाव में वोटा पाई जाएगी, जदों की 22 दिसंबर वोटा पैनिया ने। पंजाब सरकार वालों नगर कौंसल चोणा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 13 फरवरी 2021 तक चोणा कराने के आदेश जारी किए गए। बिहार चोणा में मिली जीत तो बाद बीजेपी वालों उप मुख्यमंत्री लिए सुशील मोदी का नाम न लेने तो बाद तो ही अजी उम्मीद जताई जा रही थी कि पार्टी उन्होंने नवी जिम्मेवारी दे सकती है। बीजेपी ने ऐलान किया कि सुशील मोदी राज्यसभा जाएंगे, बिहार तो उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। यह जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सकत्र अरुण सिंह ने दी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के राजनीतिक सकत्र एन आर संतोष ने कथित तौर पर नींद दी गोलियों का मात्रा तो ज्यादा सेवन कर आत्महत्या करने की कोशिश की। जानकारी मुताबिक उन्होंने बेहोशी हालत में अस्पताल दाखिल करवाया गया, जिथे उन्होंने स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर जारी है। ईरान के चोटी के परमाणु विज्ञानी मोहसन फखरी जादी को तेहरान में कतल कर दिया गया। इस घटना के बाद ईरान और इसराइल में तनाव और भी बढ़ गया।